ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A1 न्यूज टीवी में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। रूस की कमान एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन के हाथ में आ गई है। रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन को 75.9% वोट मिले हैं। 65 वर्षीय पुतिन का बतौर रूसी राष्ट्रपति यह चौथा कार्यकाल होगा। वो अगले 6 साल के लिए एक बार फिर से राष्ट्रपति के पद पर काबिज रहेंगे। सत्ता में आने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने 17 साल रूसी खुफिया एजेंसी KGB में भी बतौर जासूस बिताए हैं। 2000 में पहली बार रूस के राष्ट्रपति बनने वाले व्लादिमीर पुतिन पर आज रूसी जनता का विश्वास काफी हद तक बढ़ चुका है। पुतिन की 31 साल छोटी गर्लफ्रेंड ने भी रविवार को हुए मतदान में अपना कीमती वोट डाला। उन्होंने इशारों में जाहिर भी किया कि उनका वोट पुतिन को गया है। आज हम व्लादिमीर पुतिन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन था। उन्होंने सेना में अपनी सेवाएं दी थी। पुतिन के जन्म से पहले उनके 2 भाइयों की मौत हो चुकी थी। पुतिन ने ल्यूडमिला पुतिन से शादी की। 2014 में उनसे उनका तलाक हो गया। पुतिन को फिट रहने का भी काफी शौक है। वो रोजाना जिम में कड़ी वर्जिश करते हैं। 1970 में पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई शुरू की। 1975 में वो यहाँ से ग्रेजुएट हुए। उसी समय उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन ज्वाइन की। पुतिन अपनी पत्नी ल्यूडमिला के साथ अक्टूबर 2000 में भारत भी आ चुके हैं। इस दौरान वो आगरा स्थित ताजमहल का दीदार करने भी पहुंचे थे।